आज यहाँ पर सिटी कॉरपोरेशन को हम कॉरपोरेशन कमिश्नर से सिटी के हालात के बारे में बात करने के लिए आए थे। कमिश्नर साहब से बात हुई है। कमिश्नर साहब को हम तमाम लोगों ने ये कहा है, सिटी में जो कोरोना वायरस का दहशत चल रही है, कॉरपोरेशन के तरफ से हर एरिया में सैनिटाइजेशन होना चाहिए और वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर होना चाहिए और साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो कमिश्नर साहब ने हम तमाम लोगों को ये आश्वासन दिया है कि कल सुबह से ये काम शुरू हो जाएगा। और आप देख सकते हैं, आज सुबह में जो डॉक्टर खाजी साहब को जो पहली बार देखा था, डॉक्टर फहीम साहब का कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है उनका आज सुबह में। तो मैं तमाम अवाम से ये अपील करता हूँ कि आप लोग सेफ रहिए और आप गैर ज़रूरी आपका कोई अगर काम नहीं है तो आप बाहर मत निकलिए, अपनी जगह एहतियात में रहिए अपने घरों में। ये 8 दिन में अगर आप अपने अपने घरों में रहकर आइसोलेट रहेंगे तो हम ये गुलबर्गा शहर में हम इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी और तमाम ऑर्गेनाइजेशन वाले भी कोशिश कर रहे हैं। तो आप तमाम लोगों से अपील है, आप अपने अपने घरों में रहकर अगर कोई ज़रूरी काम है तो आप बाहर निकलिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दीजिए, कॉरपोरेशन का साथ दीजिए, आप अपने अपने दुकानें बंद कीजिए 8 दिन के लिए। 3 केस हुए हैं गुलबर्गा में, एक इंतकाल हुआ है, 2 लोगों को पॉजिटिव हुआ है, मगर जो उनकी बेटी इम्प्रूव कर रही है, एक दो दिन में इंशाल्लाह वो पूरी तरह ठीक होकर अपने घर जाएगी। ये बीमारी ऐसी नहीं है, ये ठीक हो सकती है, मगर आप लोग तमाम लोग गुलबर्गा की अवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, आप तमाम लोग यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दीजिए, जैसे वो बोल रहे हैं दुकानें बंद करिए और ग्रुप बनाकर आप अपने अपने जगह मत ठहरिए, अपने अपने घरों में रहिए, अगर बाहर भी निकल रहे हैं तो एहतियात कर निकलिए। पिछले 3-4 दिन से हमारी पूरी टीम ESI हॉस्पिटल और DHO साहब और तमाम जगह, आज हमारा मिशन ये था कि आज हम कॉरपोरेशन को आएँ और कॉरपोरेशन में जो हालात शहर के हैं उसको, मैं सिर्फ इस शहर के उन लोगों को जो ताजिर हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, ये हमारी लीडरों की जिम्मेदारी नहीं, ताजिरों की भी जिम्मेदारी है, इस शहर के हर शख्स की जिम्मेदारी है कि अगर हम एक ज़िंदगी बचा लें तो इस शहर पे हम सबसे बड़ा एहसान करेंगे, क्योंकि हम पूरा शहर मिलके एक ज़िंदगी मरने के बाद वापस नहीं ला सकते। हम बंद कर तमाम दुकानें हैं, चाय की होटलें हैं और ये पान डब्बे हैं। मैं ख़ास करके इन लोगों को कहूँगा कि रात में जो लोग बिलावजह रोड पे घूम रहे हैं वो मत घूमें, और इसकी ख़ास हिदायत आपको मुझसे पहले मज़हर खान ने दी हैं, वो सही हैं। अगर आप अलग अलग देखें तो ये बात बता दूं कि आप अपने हाथ को हमेशा से बाहर किसी से भी मिलें घर जाने से पहले अपने हाथ को वाकई पूरी तरह से धोकर, आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो साबुन से धोएं और अपने घर में अपने बच्चों के बीच जाएं, क्योंकि ये बीमारी वाकई लाहक किसी को एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है। हमने 2 दिन पहले ESI गए थे, वहाँ से सब चीज़ें देख कर आए, उसके बाद में हमने मुतमईन थे, फिर DHO के पास गए, वहाँ पे उनसे तमाम बातें, उनके भी काम बिल्कुल हमें मुतमईन बख्श तसल्ली बख्श लगे। अभी हमने कॉरपोरेशन कमिश्नर से भी बात की, उन्होंने भी हमें, वो वैसे भी क्लीन कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल सुबह से वो नए तरीके से स्प्रे करने का काम आज प्रैक्टिकल हो रहा है, आज हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, इंशाल्लाह कल से तमाम शहर के हर मोहल्लों में मारा जाएगा। मैं ख़ास कर से उन सियासतदानों को और उन पॉलिटिशियंस और सोशल वर्करों से कहना चाह रहा हूं कि वो बाहर आएं, आकर कौम को समझाएं और अमन व अमान का मामला रखें। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। लिहाजा आप अपने घरों में रहिए। तो इस सिलसिले में जब मीटिंग का इख्तिताम हुआ तो मैंने डिप्टी कमिश्नर बी शरद जी से ये मुतालबा किया कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो गुलबर्गा शुमाल में 10 हैं और जुनूब में 10 से 12 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, इसको आप एक्टिवेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो वहाँ पर इक्विपमेंट मटेरियल मेडिसिन वहाँ पर रखिए, ताकि वहाँ पर जो खदशा फौरन जो महसूस होता है उसका ट्रीटमेंट हो सके। साथ ही साथ आप
آٹوز لگائیے، چار پانچ آٹوز کارپوریشن کی جانب سے لگائیے، تاکہ جو نچلی سطح پہ سلم ایریے میں اور دیگر جو غریب غربا لوگ ہیں، جو لیبرس ہیں، ان کو پتہ چل سکے کہ کیسے احتیاط یہ اقدامات لینے چاہیے، پریکاشن کیسے لیا جائے۔ اور میں اسی کے ساتھ پھر ایک بار حکومت کرناٹکا سے، خاص کر شریمان بی ایس یڈیورپا جی سے، یہاں کی جو ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر ہیں گووند کاجور جی اور ڈپٹی کمشنر سے، یہ کہوں گا کہ امیڈیٹلی آپ ایک ایمرجنسی میٹنگ بلا کر کے یہ جو غریب غربا لیبر ہیں ان کے بارے میں کچھ سوچیں، تاکہ وہ جو آگے آنے والے تین ہفتے جو بہت ہی بھیانک ہیں، جو تیزی سے وبا پھیلنے کی جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، وہ آسانی کے ساتھ ہم اس کرونا وائرس کو ہم ناکام بنا سکیں۔